हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चंचला मीरे। आज हम बीएससी सेकेंड सेम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, डाई एजोनियम कपलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाई एजोनियम कपलिंग नाम से ही स्पष्ट है कि डाई मीन्स क्या होता है, दो। एजोनियम मतलब कि नाइट्रोजन ग्रुप, कपलिंग मतलब कि पेयर। तो डाई एजोनियम कपलिंग का मतलब है डाई मतलब दो, एजोनियम मतलब नाइट्रोजन, और कपलिंग मतलब पेयरिंग। जब दो नाइट्रोजन आपस में पेयर होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, डाई एजोनियम कपलिंग। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, डाई एजोनियम साल्ट रिएक्ट विथ कपलिंग एजेंट लाइक फिनॉल एमीन्स टू गिव एजो कंपाउंड विच आर कलर्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाई एजोनियम कपलिंग। इट मीन्स दैट जब डाई एजोनियम साल्ट किसी कपलिंग एजेंट जैसे फिनॉल, एमीन्स आदि से रिएक्ट करते हैं और जो कंपाउंड देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एजो कंपाउंड कहलाते हैं। और ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम डाई एजोनियम कपलिंग कहते हैं। क्योंकि हम ये रिएक्शन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से देख रहे हैं, तो इसमें जो दो ग्रुप जुड़ेंगे वो एरिल ग्रुप होंगे, मींस एरोमेटिक ग्रुप होंगे। तो एरोमेटिक के लिए AR ये, और अपना जो एजोनियम है वो N2 ये। तो रिएक्शन इसकी कुछ इस प्रकार होगी, दो आर ग्रुप AR ग्रुप होंगे, एरोमेटिक ग्रुप जो एजोनियम समूह से जुड़ेंगे इस प्रकार। तो ये यहाँ से इस प्रकार जुड़ जाते हैं और ये वाला जो H है वो बाहर हो गया। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिनॉलिक कपलिंग पहले देख लेते हैं, फिर एमिन कपलिंग देखेंगे। फिनॉलिक कपलिंग के लिए सबसे पहले जो हमारा डाई एजोनियम साल्ट बना लेते हैं यहाँ, N प्लस डबल बॉन्ड N, ये हमारा क्या हो गया, एजोनियम साल्ट हो गया। फिनॉलिक है तो यहाँ पे फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको एजो कंपाउंड मिलता है जो कुछ इस प्रकार होगा, एजो, यहाँ पे N प्लस डबल बॉन्ड N, ये हमारा फिनॉलिक ग्रुप, और यहाँ जो था वो H जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको एजो कंपाउंड मिला, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा में OH समूह जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। फिर कौन सा समूह जुड़ा है, एजो, तो एजो बेंजीन। तो ये हमारा फिनॉलिक कपलिंग हो गया। तो चलिए अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होगी, पहले एजोनियम सॉल्ट लेते हैं, ये हमारा एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ, N डबल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। फिर ये जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगी। शिफ्ट किए इसलिए ये चार्ज यहाँ जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड N, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये स्ट्रक्चर वन और टू हो गया। फिर इसमें हम रिएक्ट कराते हैं फिनॉल के साथ, ये जब
फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि रिएक्शन कंप्लीट करते बने। जैसे ये ऐसे बनेगा, यहाँ ये न्यूट्रल हो गया तो डबल बॉन्ड N बनेगा। फिर जब हम इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, ये हमारा फिनॉल हो गया, तो यहाँ पे चूंकि बॉन्ड शिफ्टिंग करानी है तो बॉन्ड शो करते हैं, ये अपना बेंजीन रिंग का बॉन्ड। तो इसमें प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो जहाँ यहाँ जाके अटैक करेगा और ये स्ट्रक्चर हमको कुछ इस प्रकार मिलेगी और ये जॉइंट हो जाएंगे। ये हमारा सॉल्ट वाला इस प्रकार, और ये यहाँ जाके जॉइन हो जाएगा। ये ओ एच और ये अपना डबल बॉन्ड और यहाँ का जो एच है वो, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ और ये न्यूट्रल हुआ और दोनों के बीच डबल बॉन्ड हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसलिए यहाँ कमी होगी तो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा। अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा, जो एच है वो निकल गया। तो यहाँ पे ये एन डबल बॉन्ड एन, फिर यहाँ पास से तो हाइड्रोजन निकल गया तो ये वाला जो बॉन्ड है उसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपना हमारा फाइनली जो ये जो प्रोडक्ट है वो हमको मिल गया और इसका नाम क्या होगा, चूंकि पैरा पोजिशन पे OH है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एजो कंपाउंड, हमको एजो कंपाउंड हमारा मिल गया। सिमिलरली अब अमीन्स के लिए भी कपलिंग रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एजोनियम साल्ट लेंगे, एजोनियम साल्ट का फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, बेंजीन रिंग फिर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये हमारा एजोनियम हो गया एजोनियम साल्ट। फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पैरा एन एन डाई मेथिल एमिन से, इसका फॉर्मूला पैरा डाई एन एन डाई मेथिल एमिन से कराएंगे। ये N यहाँ लोन पेयर रहेगा, फिर सी एच थ्री ग्रुप रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, पैरा एन एन डाई मेथिल एमिन हो गया। सिमिलरली इसे अब कपलिंग रिएक्शन होगी और इससे प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा सॉल्ट वाला समूह हो गया, उससे ये यहाँ से जाके जुड़ जाएगा। तो ये सेकेंड वाली जो रिंग है वो, और एन सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ पे बेंजीन रिंग अच्छे से बना लेते हैं। ये तो ये प्रोडक्ट हमारा एजो कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, पैरा एन एन डाइमेथिल, ये जो समूह एड हो गया इसलिए डाइमेथिल अमीनो एजो बेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एजो कंपाउंड कैसे मिलता है। इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं, पहले सॉल्ट ग्रुप है, ये अपना सॉल्ट ग्रुप है, जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड को में से एक बॉन्ड को इसमें शिफ्ट कराएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और
डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ एक बॉन्ड की कमी है, इसलिए प्लस चार्ज जनरेट हुआ और इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये वाले स्ट्रक्चर जो हमारा एजोनियम सॉल्ट वाला ग्रुप है, उसको हम अमीन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, इसका नाम है पैरा एन एन डाइमेथिल अमीन, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, और चूंकि ये यहाँ पे अटैक कर रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड की कमी होगी, उसको दूर करने के लिए ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी और ये लोन पेयर यहाँ पे होगी, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ पे पेयरिंग हो गई, और ये अपना जो ये वाले रिंग का एच है वो अपने जगह पे है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो ऐसे बनेगा, और ये वाला बॉन्ड अपने जगह में है, और चूंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आया इधर, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4 चार बॉन्ड हो रही है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन शो करेंगे। फिर यहाँ पे ये वाला जो है उसको शिफ्ट करेंगे इधर, फिर ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर, और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड की कमी को दूर करने के लिए करेंगे, फिर ये आगे इस प्रकार मिलेगा। ये हमारा ये जो समूह का बेंजीन रिंग, और ये अमीन ग्रुप का रिंग, चूंकि ये वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो गया, फिर ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए इसलिए यहाँ नया बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया मीन्स यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म होगा और ये अपने जगह पे है, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन में जो प्लस चार्ज था वो दूर हो जाएगा, यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, और ये CH3 और CH3 हमारा फॉर्म हो जाएगा, तो यही हमारा अमीन्स का फाइनली प्रोडक्ट है। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा पोजिशन पे है इसलिए, और एन डाइमेथिल एमिनो एजो बेंजीन, ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा, एजो कंपाउंड। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट मिल गया, और यहाँ पे मैकेनिज्म एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहीं से पैरा पोजीशन पे जो अमीन ग्रुप है या फिनोलिक ग्रुप रहता है, जो भी एजेंट रहता है कपलिंग एजेंट, वो यहीं पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये वाला बॉन्ड इसमें अटैक किया अमीन के ऊपर, फिर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये इस पर अटैक करेगा, फिर यहाँ ये कपलिंग हो गया, कपलिंग होने के बाद जो ये वाला बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो ये नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ बॉन्ड इस प्रकार फॉर्म होगा, ये यहाँ जाके न्यू बॉन्ड यहाँ बनाया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला बॉन्ड जो है वो अपने जगह पे है, और ये न्यूट्रल हो गया, CH3 अपने जगह में है। तो इस प्रकार पैरा एन डाइमेथिल एमिनो एजो बेंजीन हमको मिलता है। इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब इसके हम कुछ की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके की पॉइंट में, चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो 1 मार्क्स में पूछे बात जा सकते हैं कि जो डाई एजोनियम कपलिंग रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम इसको इसके की पॉइंट में भी लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन होती है, और सेकेंड पॉइंट कि इसमें जो डाई एजो ग्रुप होता है वो
कपलिंग एजेंट से, कपलिंग एजेंट से क्या होता है, कपलिंग करता है, और इससे हमको क्या मिलता है, फाइनली प्रोडक्ट जो है मींस इसके इक्वल में अगर हम बात करें तो दोनों के रिएक्शन से हमको डाई एजो कंपाउंड मिलता है। तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट है। अगर रिएक्शन समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।